आज विदिशा के सिटी कोतवाली थाने में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु खास दिशा निर्देश दिए गए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये धीरे धीरे अब ये कब, वो ये कहना, उनने स्कूल में गार्डन बना दिया, उसमें प्रतिदिन शादी होती है, आप कभी भी चले जाओ, और उसके वो उसमें ग्रामीण क्षेत्र की होती है, तो पूरी गाड़ी रोकते हैं और भैया जो दारू वारू पीते हैं, तो वह ना आज रोड पे फोड़ते हैं, और आप जेल से लेके राजगिरी तक आप जब तक बारात नहीं आएगी, एक मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, सब पीछे पीछे चले आते हैं धीरे धीरे, और आए दिन की समस्या है। एक बार उसको वो राम रघुवंशी जी ने कोई एक्सप्लेनेशन देकर उसको एक आध साल बंद करा था, लेकिन वो फिर उसने चालू करवा लिया और स्कूल में गार्डन चला रहा, और पिछले दिन बुकिंग देती है आपको। आज किस तरीके के दिशा निर्देश दिए और किस तरीके से अपन इनको रिलीज कर रहे हैं? अभी जो शासन का नया निर्देश प्राप्त हुआ है कि धार्मिक स्थल एवं अन्य जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों से संबंधित वस्तुएं हैं, उनको जो नियम है, नियम के अनुसार ही उनका उपयोग किया जाए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज कोतवाली परिसर में विदिशा शहर के सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उन सबको आज बुलाया गया था, और SDM साहब की अध्यक्षता में उन सबको जो शासन के जो मंशा है उससे अवगत कराया गया था कि शासन द्वारा सभी को निर्धारित किया गया है कि एक निर्धारित सीमा के अंदर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करें, और जो DJ वगैरह है, मैरिज गार्डन में जो है ना, उन सब पर नियंत्रित किया जाए, तो इन सब में सहयोग करने के लिए सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया था, और सभी ने आज अच्छे वातावरण में और आश्वासन दिया है प्रशासन को कि सभी अपने अपने धार्मिक स्थलों में जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार ही व्यवस्था करेंगे, और सब लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जिस संबंध में आज यहाँ बैठक हुई थी उसके बारे में क्या संबंध था, क्या SDSP साहब ने और क्या ही साहब ने जो शासन और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन की है और जो कोर्ट के डिसीजन है वो सबको समझाए, और जो हमारे समझ में आई बात ही ये वक्त की ज़रूरत है और हम इसका पालन करेंगे और सबको समझाएंगे, आवाज़ भी कम करेंगे, और दो माइक का जो कहा है हम उसको विचार की जगह दो करेंगे, आवाज़ भी कम करेंगे। जैसे जो मीट मछली की मीट मटन की दुकान है, अंडे की दुकान, उसका भी कोई प्रतिबंध आपकी तरफ से लगाया जाएगा, आदेश दिए जाएंगे? वो ये अब पुलिस का काम है, ये उसको जाएँ और समझाएँ, और उनके जो लाइसेंस वगैरह हैं उनको लाइसेंस दिए जाएँ, और उनको जिस तरह से दुकान करने का कहा जा रहा है उस तरीके से, यानी पाबंदी के साथ और पर्दे के साथ वो अपनी दुकान करें, उनको समझाएं। तो आप इसमें सहमत हैं? आज कोतवाली में बैठक रखी गई थी, विषय था माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम आदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को एक नियम बनाया है, उस नियम को सभी समाज वर्ग को, सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया, कुछ पर्चे भी बांटे हैं यहाँ पर, नियम के नियम के पर्चे भी दिए हैं प्रशासन ने, उन नियमों के पूर्णता अक्षर से पालन कराने के लिए बैठक हुई थी। और मांस मछली अंडे की दुकान, हाँ ये बहुत अच्छा विषय है, मांस मछली की जो दुकानें वास्तव में शहर में बीच शहर में लग रही हैं, उनको तो हटना चाहिए सख्ती से, और शासन का यह जो निर्णय है वास्तव में स्वागत योग्य। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए KKR न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।